वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। लास्ट वीडियो था सीलम सीजन 1 एपिसोड 1 के ऊपर। इस पार्ट में हम उसके आगे की कहानी जानेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम कॉटन को देखते हैं मॉरल डिलेमा से भुगतते हुए। इस विच हंटिंग के चक्कर में वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है कि सही गलत में फर्क ही नहीं हो पा रहा उससे। इसमें उसकी लिटरेरी नॉलेज कोई मदद नहीं कर रही। उसे कहीं ना कहीं पता था कि जायस इनोसेंट था, फिर भी उसने अपने शक पर काबू नहीं कर पाया। ऑलरेडी 3 सो कॉल्ड विचेस को फांसी दे चुका है वो। कई सारे और लोगों की जान जा चुकी है टॉर्चर के कारण, लेकिन क्या ये मौत जस्टिफाइड है? उसे खुद भी नहीं पता। वो भगवान से बार बार प्रेयर करता रहता है एक साइन देने के लिए, जिससे वो श्योर हो जाए कि वो सही दिशा जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम आइजैक को देखते हैं जाइल्स के लाश को बस्ते में भर के एक गड्ढे में फेंकते हुए। यहाँ पर उसी तरह से और भी कई सारे लाशें ऐसे ही पड़े थे, सड़ रहे थे, मगर ये कोई ग्रेवयार्ड थी नहीं, ये था एक डंपिंग ग्राउंड। उधर कॉटन अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट देने जाता है एक प्रोस्टिट्यूट के पास। वहाँ भी उसे जॉन के हाथ से छुटकारा नहीं मिलता। वो हमला कर देता है उस पर, गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है, मगर ठीक तभी कॉटन के कुछ बातों से उसका होश लौटता है। वो हेयर फायर के बारे में कह रहा था। उसका डिस्क्रिप्शन हूबहू उसी सीन से मैच कर रहा था जो कल रात जॉन ने अपने आंखों से देखा था। ब्लैक पीट एनिमल हेयर, बिल्कुल जैसे मर्सी बता रही थी। वो कॉटन को वो जगह दिखाना चाहता था, मगर उससे पहले ही मिस्टर हेल उसे अरेस्ट कर लेता है। कल रात उनके जुडिशियल सिस्टम में रोक डालने के जुर्म में, जाइल्स को बचाने की कोशिश के जुर्म में, मगर असली वजह तो ये थी कि जॉन उनके हर एक काम में दखलदारी कर रहा था, उनके रीजंस को काउंटर कर रहा था। उन्हें डर था कहीं जॉन को उनके असलियत के बारे में पता न चल जाए। जॉन जाने से पहले कॉटन को आइजैक के पास भेजता है। अब आगे का रास्ता वो ही दिखाएगा। रात के अंधेरे में आइजैक कॉटन को लेकर जंगल के बीचों बीच जा पहुंचता है। ये वही जगह है जहां कल रात विचेस सैबथ परफॉर्म कर रहे थे। अभी कॉटन को वहां एक पेड़ दिखता है, कुछ अजीब सा। कॉटन कहता है ये विचेस कॉल्ड्रॉन है, और उसे इसके अंदर से एक हाथ भी मिलता है जिस पर अजीब से साइंस बने हुए थे, साथ में बहुत सारे कीड़े भी। उधर तब तक जॉन के अरेस्ट होने की खबर मेरे तक पहुंच चुकी थी। उसे पता था मिस्टर हेल जॉन को सहन नहीं कर पाते, इसीलिए चोरी छुपे उसे मरवाने की कोशिश कर रहे, मगर वो ऐसे होने नहीं दे सकती। तो वो मिस्टर हेल का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। उसे एक व्यक्ति पेट्रस को ढूंढ निकालने के लिए ऑर्डर देती है, जो विचेस के लिए सीयर का काम करता है। उसकी आंखें सब देखती हैं। उस रात उनके सर्कल को किसने ब्रेक किया वो भी जरूर उसे पता होगा। मिस्टर हेल निकल जाते हैं पेट्रस के तलाश में, और मेरी खुद उस रात जाकर जॉन को आजाद कर देती है और उसे शहर छोड़कर जाने को बोलती है। जॉन तब भी उसे साथ ले जाना चाहता था, मगर मेरी उसे क्लियरली बता देती है कि उनके बीच अभी और कुछ नहीं रही, इट्स ओवर। जॉन फाइनली इस सच को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने आधे सिक्के को भीख में दे देता है। नेक्स्ट डे हम एक घर में एक प्रेग्नेंट लड़की को देखते हैं बच्चे को जन्म देते हुए। उसे असिस्ट कर रही थी मिस ब्रिजिट बिशप, द मिडवाइफ। मगर मेरी उस हालत में भी उस लड़की को फोर्स करने लगती है बच्चे के पिता का नाम बताने के लिए, नहीं तो वो उसे डिलीवर करने नहीं देगी। उसके इनह्यूमैनिटी को देखकर ब्रिजिट बिल्कुल हैरान हो जाती है। मेरी खुद एक लड़की होकर दूसरे लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकती है, वो भी इस हालत में। लेकिन असली बात तो ये थी कि मेरी इस लड़की से जेलस हो रही थी। उसे अपना बच्चा याद आ रहा था कैसे उसने उसे ठुकराया था। लेकिन वो बहुत जल्द खुद को कंट्रोल कर लेती है और घर से निकल जाती है। घर से निकलते वक्त उसकी नजर पड़ती है ऐसे ही और एक लड़की के ऊपर। उस लड़की का नाम था किटी। उसे देखती ही मेरी समझ जाती है कि उसके पेट में बच्चा मर चुका है, लेकिन इससे उसका क्या मतलब। उसी दिन हम मिस्टर हेल को देखते हैं जंगल में पेट्रस को ढूंढते हुए, मगर उसे पता ही नहीं चलता कब पेट्रस उसके पीछे आ पहुंचा था, बिल्कुल बिल्ली की तरह। यही तो खासियत है उसका, कोई उसे देख नहीं पाता, मगर वो सबको देख लेता है। मिस्टर हेल उसके साथ उसके अड्डे में जा पहुंचता है, उसे अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है। हम देखते ही इस आदमी के पास वही मेंढक है जो आइजैक को उस रात अपने सामने दिखा था, आंखों पर स्टिचेस लगे हुए। ये पेट्रस का पेट है, अभी उसी के जरिए वो मिस्टर हेल को गाइड करेगा, मगर उसे कुछ वक्त चाहिए। नेक्स्ट डे मेरी जाती है चर्च। हम देखते हैं वहाँ मर्सी को क्रॉस से बांधकर लटका कर रखा गया था, बहुत भयानक दिख रही थी वो। जब मिस ब्रिजिट उसे रिहा करने की बात करती है, मेरी डायरेक्टली मना कर देती है क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से मर्सी बहुत वायलेंट बिहेव कर रही थी, खुद को हार्म कर रही थी, साथ में अपने परिवार के लोगों को भी, मगर ये सब मेरी खुद ही उससे करवा रही थी, वो किसी को नहीं पता।
मिस ब्रिजिट एक बहुत ही रैशनल लेडी है। उसका दिल कह रहा था मर्सी को प्रेयर्स की नहीं ट्रीटमेंट की जरूरत है, और उनका मर्सी को लेकर कंसर्न मेरी को टेंशन दे रहा था, क्योंकि अगर सभी ऐसे सवाल उठाते रहे तो उसके प्लान में तो पानी फट जाएगा। वो तो मर्सी को यूज कर रही है सीलिम में विच पैनिक क्रिएट करने के लिए, जिससे ये प्यूरिटन्स आपस में लड़ने लगे और उनका ग्रैंड राइड कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर हमें पता चलता है उसके प्लान के फर्दर स्टेप्स के बारे में। असल में उसने जायस को सिर्फ इसीलिए ही नहीं मारा क्योंकि वो उसके लिए थ्रेट बन चुका था, साथ में इसीलिए भी कि उनके ग्रैंड राइड को कंप्लीट करने के लिए 13 इनोसेंट सोल्स की जरूरत है। इनमें से 4 कंप्लीट हो चुका है, बाकी है और 9। अपना नेक्स्ट शिकार भी मेरी ने सिलेक्ट कर लिया है, मगर वो उसे यूज कुछ अलग तरीके से करना चाहती है। उसी रात किटी का लेबर बेंच शुरू होता है। उसके दोस्त मिस ब्रिजिट को बुलाकर लाती है, मगर जैसे ही ब्रिजिट किटी के पीठ पर हाथ रखती है, किटी को उसमें चुड़ैल नजर आती है। उसे लगता है मिस ब्रिजिट उसके बेबी को मार डालेगी। वो डर जाती है, भागने की कोशिश करती है, और तभी उसका डिलीवरी हो जाता है और वो एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है जो भयानक दिख रही थी। उधर जॉन और आइजैक के मदद से कॉटन समझने की कोशिश कर रहा था कि उस रात उन लोगों ने आखिर क्या देखा। वो केस तो कर रहा था कि शायद उन्होंने विचेस साबित को ही देखा होगा, और जॉन भी इसी बात को कंफर्म करता है। कॉटन बहुत ज्यादा डर जाता है, अगर ये बात सही है तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है जिसे हर हालत में उन्हें रोकना ही होगा। कॉटन को उस पेड़ के अंदर से जो हाथ मिला था वो किसी लाश से काटा गया था। दैट मीन्स ये विचेस डेड बॉडीज चुरा रही है अपने रिचुअल के लिए, ग्रेवयार्ड से तो नहीं बल्कि उस डंपिंग ग्राउंड से जहाँ चार्ल्स के लाश को भी फेंका गया है। इससे पहले कि वो भी किसी विच का शिकार बन जाए, जॉन उसके लाश को ले जाकर ग्रेवयार्ड में दफना देता है रात के अंधेरे में। नेक्स्ट डे मेरी जाती है किटी के पास, मीठी मीठी बातों से उसका दिल जीत कर उससे बात उगलवाने की कोशिश करती है। फाइनली किटी भी मान जाती है कि उसने ब्रिजिट में एक चुड़ैल को देखी थी, और उसके पीठ पे हाथ रखने के बाद ही इस मॉन्स्ट्रस चाइल्ड का जन्म हुआ। ये सारा खेल मेरी का ही था, सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। उसी रात वो कॉटन को बुलाकर उस बच्चे को दिखाती है, उसके दिल और जहन में ये बात डाल देती है कि ये डेविल का भेजा हुआ स्टोन चाइल्ड है, एक साइन है, सबूत है कि डेविल गॉड के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में सिर्फ कॉटन ही सेलम को बचा सकता है, और उसे भी। नेक्स्ट डे चर्च में सबके सामने ब्रिजिट का ट्रायल शुरू होता है। कॉटन ब्रिजिट पर आरोप लगाता है कि वो एक विच है, शैतान के बच्चे को डिलीवर किया है उसने, उसे कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया जाता। लेकिन जॉन और एन उसके सपोर्ट में सवाल उठाते हैं, कहते हैं अगर ब्रिजिट चुड़ैल है तो वहाँ मौजूद बाकी दो लड़की भी चुड़ैल हो सकती है, कैसे साबित होगा असली विच कौन है। इसका हल भी मेरी ही बताती है, कहती है मर्सी के सामने तीनों लड़कियों को ले जाया जाए, असली चुड़ैल को देखकर वो जरूर रिएक्ट करेगी। एक एक करके सभी जाकर खड़े हो जाते हैं मर्सी के सामने, मर्सी देखती तक नहीं क्योंकि वो देखने के हालत में ही नहीं थी। मगर जैसे ही ब्रिजिट जाती है मर्सी के सामने, मेरी अपना जादू स्टार्ट करती है। मर्सी से ब्रिजिट के ऊपर खून की उल्टी करवाती है और सबके सामने साबित कर देती है कि यह मर्सी का इशारा है, ब्रिजिट एक विच है। बस और क्या, ब्रिजिट को फांसी दी जाती है। मेरी के प्लान से और एक इनोसेंट सोल की बलि चढ़ती है। उसने कॉटन को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, वो किसी की बात भी नहीं सुन रहा था, ना जॉन की ना एन की। एन ब्रिजिट की बहुत अच्छी दोस्त थी, अपने दोस्त को आंखों के सामने ऐसे मरते देख वो सहन नहीं कर पाई। उसे यकीन था उस पर लगाया गया आरोप झूठा है, उसने बहुत कोशिश भी की इस दहशत को रोकने की मगर कुछ नहीं कर पाई। तो वो जॉन से मदद मांगती है, जस्टिस मांगती है। जॉन भी डिसाइड करता है कि अब उसे कुछ करना होगा, ऐसे चुपचाप बैठने से कुछ बदलेगा नहीं। तो वो मेरी से मिलने जाता है, उसे इन्फॉर्म करता है कि सेलम के बोर्ड ऑफ सिलेक्ट मैन में आर्डन फैमिली का जो चेयर है वो बहुत जल्द उसे क्लेम करने वाला है, इससे एटलीस्ट इन फ्यूचर इस शहर में होने वाले हादसों में उसका कुछ तो से रहेगा। मेरी उसके इस डिसीजन से बहुत घबरा जाती है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो अभी भी जॉन से उतना ही प्यार करती है, वो उसे कुछ होने नहीं दे सकती। लेकिन जॉन जिस तरह से उसके अगेंस्ट जा रहा, विचेस के अगेंस्ट जा रहा, इससे उसे ज्यादा दिनों तक सेफ रखना मुश्किल होगा। उसे तो मेरी कुछ नहीं कर सकती, तो वो उसके आसपास के लोगों को हार्म करना स्टार्ट करती है जिनके इन्फ्लुएंस उस पर पड़ रहा है, इससे जॉन भी अकेला हो जाएगा, साथ में इन विचेस को और एक इनोसेंट सोल भी मिल जाएगी। उसकी अगली विक्टिम बनती है एन।
उसके पास एन के जो बाल थे वो उसे ही यूज करती है अपने ब्लैक मैजिक में। कुछ जड़ी बूटी लेती है, उस पर एक जिंदा चूहे को क्रश करके उसके खून के कुछ बूंद डालती है, साथ में कुछ कीड़े को भी क्रश करके डालती है। फाइनली सारी चीजों को मिक्स करके भर देती है एक पुतले के पेट में। नेक्स्ट सीन में हम एन को देखते हैं, वो अपने घर में आराम से बैठकर जॉन की तस्वीर बना रही थी। अचानक उसे कुछ आवाज आती है जैसे किसी के फुटस्टेप्स, मगर कोई दिख नहीं रहा था। उसे लगा कोई बिल्ली होगी, वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती। लेकिन तभी हमारी नजर पड़ती है उसके डॉल्स के ऊपर, जिनमें से एक था वही डॉल जिस पर मेरी ने काला जादू किया था। तो क्या अभी से ये पुतला एन पर नजर रखेगा? वो तो हम समझ नहीं पाते, मगर उसी रात एन को एक बहुत ही वियर्ड सपना आता है। वो जॉन को देखती है उससे प्यार करते हुए, मगर वहाँ जॉन और मेरी भी थे। वो लोग पता नहीं क्या कह रहे थे। एन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसका दम घुट रहा था। वो चिल्लाने लगती है एंड फाइनली उसकी नींद टूट जाती है। इसके बाद वो जो फेस वॉश करने वॉशरूम जाती है, उसे आईने पे अपनी आंखें काले रंग की दिखती है, बिल्कुल किसी विच की तरह। हमें उसके कमरे में वो पुतला भी दिखता है जिसकी आंखें एन के हर एक स्टेप को फॉलो कर रही थी। हम समझ पाते हैं एन के साथ ये सब जो कुछ भी हो रहा था वो मेरी के किए गए काले जादू का असर है। हम बाहर आइजैक को देखते हैं, वो ब्रिजिट के लाश को डंपिंग ग्राउंड में ले जा रहा था और बाकी लोग ब्रिजिट को गाली दे रहे थे। आइजैक को बहुत खराब लगता है, मगर इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। वहाँ जॉन और कॉटन भी थे। जॉन उसे टॉन्ट कर रहा था लगातार, उसके कॉन्शियंस को जगाने की कोशिश कर रहा था, मगर कॉटन अपने बिलीफ को लेकर कन्फर्म्ड था। तभी उन्हें लोकल ऑर्फेनेज से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये दोनों भागते हैं उस तरफ, देखते हैं कुछ गुंडे ऑर्फेनेज को लूट रहे हैं और एन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है। जॉन सब कुछ संभाल लेता है, उसके साथ मिस्टर हिल और कॉटन भी आ पहुँचते हैं, मगर एन तो उन्हें जैसे सहने नहीं कर पा रही थी। वो जॉन को रिक्वेस्ट करती है उसे घर तक छोड़ने के लिए, जॉन वैसा ही करता है और तभी उन्हें मैरी देख लेती है। विजिबली वो जेलस फील कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर हेल को देखते हैं पेट्रस के पास वापस जाते हुए। पेट्रस उस मेंढक के स्टिचेस को ओपन करता है जिससे उसके आंखों से खून बहने लगता है। उसी खून को पेट्रस पानी में मिलाता है और उसे दिख जाता है आइजैक का चेहरा। मगर वो मिस्टर हेल को ये भी कहता है कि आइजैक उस रात अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था जिसे उसका पेट नहीं देख पाया। मिस्टर हेल इस खबर को मेरी तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं और इसके ठीक बाद ही हम इसी झोपड़ी में किसी और को एंटर करते हुए देखते हैं। ये जॉन था, वो मिस्टर हेल को फॉलो करते हुए यहाँ आ पहुँचा था, मतलब शायद वो मिस्टर हेल पर शक कर रहा था। अंदर उसे कोई इंसान तो नहीं मिलता, मगर कई सारे स्टफ्ड एनिमल्स दिखते हैं जो असल में उस पर नजर रख रहे थे। फाइनली एक स्टफ्ड डॉग जिंदा होकर उस पर झपट पड़ता है जिससे उसे बचाता है मिस्टर हेल। अब उसने देख ही लिया है तो जॉन उससे ही पूछ लेता है कि वो इतने घने जंगल के अंदर इस झोपड़ी में किससे मिलने आया था, मगर मिस्टर हेल इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं देते। वो बातों को घुमाने लगते हैं और इससे जॉन का शक और बढ़ जाता है। उधर हम आइजैक को देखते हैं मेरी के घर में एक पैकेज डिलीवर करते हुए। बातों बातों में उसकी गर्लफ्रेंड एबिगेल की बात उठती है जो ट्रायल के तुरंत बाद ही कहीं गायब हो गई थी। आइजैक फिर कभी उससे नहीं मिला, फिर भी अभी भी वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, ठीक जैसे मेरी करती है जॉन से। घर से बाहर निकलते ही आइजैक को ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो इधर उधर घूमकर बचने की कोशिश करता है मगर नहीं बच पाता। एक आदमी उस पर हमला करके उसे ब्लाइंड फोल्ड करके डंपिंग ग्राउंड में ले जाता है। एक बहुत ही अजीब दिखने वाला इंसान था वो, जो आइजैक को कुछ खिलाता है और उसके शरीर पे काले मिट्टी का लेप लगाने लगता है। आइजैक को चक्कर आने लगता है, वो हेलुसिनेट कर रहा था और इस आदमी पर उसे किसी जानवर का सर दिख रहा था। आइजैक पैनिक करने लगता है और ये आदमी उससे पूछता है उस रात जंगल में कौन था। आइजैक खुद को संभालने की हालत में ही नहीं था, वो कम्प्लीटली हिप्नोटाइज्ड हो चुका था। तो आपको क्या लगता है, क्या वो जॉन का नाम बता देगा? क्या होगा जॉन के साथ? मेरी उसे बचा पाएगी या फिर वो भी बाकी विचेस का साथ देगी? जानने के लिए आपको देखना होगा नेक्स्ट पार्ट, सो स्टे ट्यून्ड। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।